हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू माय क्लास एसएसपी सचिन सर फिजिक्स द फाइनेस्ट एंड द इजीस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट द चैनल वेर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन यू रियलाइज दैट यू आर इन लव विद द सब्जेक्ट। आई होप बैकग्राउंड में बहुत सारे अगर आपको म्यूजिक सुनाई दे तो ठीक है, खुश हो जाइए, बट ज़्यादा फोकस पर मत करना बिकॉज फेस्टिवल का सीजन है और मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ भी करके आज वीडियो शूट करना है और जल्दी से ये क्विक व्यू वाले जितने भी पोर्शन रह गए हैं उसे हम फिनिश करते हैं। एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्लास 11 स्टार्ट करने के लिए और उसी तरह से डिटेल, क्योंकि क्विक व्यू बहुत सारे हो गए, मुझे चाहिए डिटेल। ठीक है, तो हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है NLM, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो हम चैप्टर फाइव से स्टार्ट करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। यहाँ पे आपको मिलेगा आज काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैसेस KTG पार्ट 2, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एज वेल एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्मॉल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स बनने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। नहीं, चांसेस रहता है बट न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो होता है आसान हो जाता है, बिकॉज जब तक आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, फील नहीं करोगे, इमेजिन नहीं करोगे, तब तक आप फिजिक्स से बहुत दूर हो। एंड आई ऑलवेज टेल इन माई एवरी वीडियो कि वेन एवर यू फॉलो द एक्सेलेंस द मार्क्स विल फॉलो यू, नो नीड टू फॉलो द मार्क्स। ठीक है, यू हैव टू फॉलो द एक्सेलेंस, दिस इज द मेन मोटो ऑफ दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द क्लास। बट बच्चा पार्टी, सो फार इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल देन आई विल रिक्वेस्ट एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एज वेल एज कमेंट। ओके, सो लेट्स सी, हाँ क्या देखना था, यस, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बड़ा अजीब सा नाम है ना, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्री का मतलब है डिग्री जो आपको मिलती है वो नहीं, ठीक है। फ्रीडम का मतलब हमें पता है आज़ादी। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिकल्स है, सपोज आई हैव अ मॉलिकल्स है, तो बहुत सारे एयर के अंदर मॉलिकल्स हैं, ऑक्सीजन के मॉलिकल्स अगर आप सोचो, ऑक्सीजन जो एटम है यहाँ पर अगर आप सोचते हो, तो वो ऑक्सीजन के पास क्या आज़ादी है, द काइंड ऑफ फ्रीडम इट हैज़। उसके पास फ्रीडम है कि वो ऐसे भी मूव हो सकता है, बात को ध्यान से समझिएगा, वो ऐसे भी मूव हो सकता है, इवन वो ऐसे भी मूव हो सकता है। सो द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ द मोशन दैट एटम हैज, दैट इज एक्चुअली द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने कहा कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई मॉलिक्यूल्स के पास, कोई पॉइंट या पार्टिकल के पास में जितनी पॉसिबिलिटीज है मोशन की, वही उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर किसी मॉलिक्यूल्स के पास में 100 जूल की एनर्जी है और वो 100 जूल की एनर्जी से वो 3 डिफरेंट वेस में चल सकता है, तो जितने वेस में वो चलेगा वो 100 की एनर्जी एग्जैक्टली इक्वल डिवाइड होगी। या अगर वो दो तरीके से चल सकता है तो वो 100 की जो एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होगा उसके एक वाले मोशन में, एक डायरेक्शन वाले मोशन में और दूसरे डायरेक्शन वाले मोशन में। तो ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आपको समझना है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा तब तक ये चीज कभी समझ ही नहीं पाओगे कि मॉलिक्यूल्स अगर वाइब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली वाइब्रेशन कर रहा है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है, वाइब्रेशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो क्या ऐसा है क्या कि उसके पास ये वाले मोशन में ज़्यादा एनर्जी है, वाइब्रेशन में एनर्जी अलग है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके पास जितने मोशन की पॉसिबिलिटीज होगी उतनी ही एनर्जी उसकी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 4 तरीके से मूव कर सकता है, 4 डिफरेंट वे से मूव कर सकता है और उसके पास है 40 जूल की एनर्जी, तो 10 10 10 इक्वली डिवाइड होगा। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी को एक एक लाइन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, जो एनर्जी मिल रही है बिकॉज ऑफ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, दैट इज एनर्जी गेन्ड बाय द मॉलिक्यूल्स। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स कितने तरीके से मोशन कर सकता है, कितनी उसके पास पॉसिबिलिटीज है, वही उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। कुछ जबरदस्त एग्जाम्पल के साथ वी कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड वी कैन कनेक्ट अवर सेल्फ विद दिस टॉपिक, राइट? देखिए, परफेक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो द मिनिमम नंबर ऑफ वेज इन विच द मोशन ऑफ बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली इज कॉल्ड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास में यहाँ पे एक ब्लॉक है एंड यू कैन सी कि ये जो ब्लॉक है बच्चा वो एक सरफेस पे रखा हुआ है, तो ये इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्या ये ऐसे मूव कर सकता है? नहीं, आत्मा तो है नहीं, चुड़ैल तो है नहीं वो कि उसे ऐसे चल चला जा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा वो। तो वो सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। सो एक्चुअल में जो इसकी फ्रीडम है ना वो 1 है। मेरे पास एक स्टोन है या फिर ये मार्कर है, मैंने इसे ऐसे फेंक दिया तो ये एक प्लेन में मूव करेगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। तो इसकी पॉसिबिलिटी 2 है मोशन की। दैट इज द रीजन कि हम यहां बोल सकते हैं कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 है। उसी तरह से अगर एक रूलर है सरफेस पे एंड इट इज मूविंग लाइक दिस, ऐसे भी चल रहा है, ऐसे, मतलब
एक रोलर अगर एक इंक्लाइंड प्लेन पे ऐसे नीचे गिर रहा है, बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, रोलिंग मोशन में भी आपने स्टडी किया ही होगा, तो अगर आप खुद को यहाँ पे इमेजिन करो ना, तो आप ऐसे लुढ़कते हुए आगे जाओगे, यू विल रोल लाइक दैट, दैट इज़ वर्ड रोटेशनल मोशन। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट को आप इमेजिन करो कि आप खुद सेंटर पे बैठे हुए हो, तो आप पूरा ऐसे ऐसे करते हुए आगे जाओगे, दैट इज़ वर्ड ट्रांसलेशन मोशन। मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ है मोशन की, है ना, तो इसकी फ्रीडम कितनी हो गई, टू। लेकिन अगर यही रोलर एक मॉलिक्यूल बन जाए और स्पेस में चला जाए, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, इवन ऐसे करते हुए जाएगा, तो तीन हो गए। ये क्या है, ये वाइब्रेशन वाली एनर्जी है। ये ऐसे वाली एनर्जी कौन सी, ट्राई टू फील, ट्राई टू फील, फील करना है फिजिक्स, ठीक है, प्यार से प्रैक्टिस, तो फिजिक्स आपके लिए आसान हो जाए। अगर ऐसे चलती है तो रोटेशनल, सेंटर से चलता है तो ट्रांसलेशन, और अगर ऐसे करते हुए इस तरह से चल रहा है तो दैट इज वाइब्रेशन। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है, समझने का तरीका होता है, मोशन काउंट कर लीजिए या फिर उसका लोकेशन काउंट कर लीजिए कि स्पेस में वो कितने कोऑर्डिनेट्स में बैठा हुआ है, दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसको निकालने का एक तरीका भी होता है, लेट्स डिस्कस दैट तरीका कि हाउ कैन वी फाइंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर द डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम। देखिए मेरे पास है यहाँ पे सबसे पहले मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब होता है कि जिसके पास सिर्फ एक सिंगल सा एटम हो। फॉर एग्जांपल अगर मैंने HE लिखा, हीलियम, तो सिर्फ हीलियम है। तो अगर हमारे पास में ये मस्त वाला हीलियम है और ये स्पेस में सपोज यहाँ पे है, तो ये ऐसे भी चल सकता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे भी चल सकता है, ये आपके साइड भी आ सकता है। कितने डायरेक्शन हो गए, एक्स, वाई, या फिर ऐसे या फिर ऐसे, दैट इज जेड डायरेक्शन। तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि भैया ये एक्स वाई जेड तीनों पे चल सकता है, इसलिए जो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है बच्चा वो कितनी हो गई, तीन। क्लियर। सेकंड है डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन ले लो, O2। तो अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो चलिए एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जरा समझना बहुत अच्छे से इस बात को, जैसे ये एक ऑक्सीजन था फ्री में इधर आया, ये ऑक्सीजन था फ्री में इधर आ गया, दोनों मिलके एक मॉलिक्यूल्स बना देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है या तो ऐसे जा सकता है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और इट कैन मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, दो। क्या ये इधर जा सकता है, इमेजिन करो, क्या ये इधर जा सकता है, इधर वाला ऑक्सीजन नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो इसके साथ बंध गया है ना। हाँ, ये इधर जा सकता है बट फ्रीली नहीं जा सकता। व्हेन इट ट्राई टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन देन, सो वी कैन नॉट से कि इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन और इट कैन मूव इन दिस डायरेक्शन टू, बिकॉज अगेन इफ इट ट्राइज टू मूव इन दैट डायरेक्शन इट हैज टू कम अगेन एंड अगेन। सो ये वाली जो लाइन है या ये वाली जो पॉसिबिलिटी है, जो ऑक्सीजन पहले फ्री था तो ऐसे भी चल सकता था, ऐसे भी चल सकता था, इवन ऐसे भी चल सकता था, उसमें से एक बंध गई, एक रिलेशन बंध गया, इसका इसके साथ रिलेशन बन गया, आप ऐसा मान सकते हैं। तो अभी ये कितने तरीके से चल सकता है, ऐसे चल सकता है या फिर ऐसे चल सकता है, क्योंकि ये वाला एक डायरेक्शन हुआ, ये दूसरा डायरेक्शन हुआ, ऐसे चल सकता है, नहीं। बात आई समझ में? उसी तरह से बच्चा, जैसे ये और ये, तो ये वाला एटम थ्री तरीके से चल सकता था, ये भी थ्री तरीके से चल सकता था, 3 × 2 = 6 हो सकते थे, लेकिन इनकी ये वाली जो पॉसिबिलिटी है वो रिलेशन में आ गई, इसके साथ रिलेशन बनाने में चला गया, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक रिलेशन बैंड हो गया, चला गया, टूट गया, तो 6 − 1 कितना हो गया, 5, यानी इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डायटोमी की कितनी हो जाएगी, 5। दैट मीन्स देर आर द 5 पॉसिबिलिटीज ऑफ द मोशन ऑफ दिस काइंड ऑफ एटम, दैट इज द डाई एटॉमिक। I have to check the camera. धन्यवाद। Yes, cool. मित्रों, मैंने कहा yes. तो ये आ गया 5. अब देखिए triatomic. अच्छा, इसको अगर मुझे equation में बताना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ ऐसे, 3n − r, जहाँ पे n क्या है, that is the number, and what is r? That is the relation या restriction, आपको जो समझना है समझ लीजिए। Restriction मतलब ये वाले direction पर restrict हो गई। N is what? Number, 1, 2। अच्छा, triatomic के ना दो form होते हैं, एक होता है linear और दूसरा होता है non-linear। Linear क्या है, तो linear के तौर पे जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में 3 oxygen है, O3 है, तो ये oxygen अगर ऐसे कंबाइंड हो गए और एक मॉलिक्यूल इन्होंने बनाया O3, जो कि ओजोन का फॉर्मूला है, तो ये हो गया
ट्राई एटॉमिक लीनियर। अब जरा सोचिए बच्चा पार्टी कि क्या ये तीन तरह से घूम सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये तीन तरह से घूम सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये घूम सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन हो गए? एक तो ये रिस्ट्रिक्शन हुआ और एक ये रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास होगा 3 × 2 − 1। सॉरी, यहाँ पर आप देखिए रिस्ट्रिक्शन कितना है, 3 × 3 = 9, माइनस रिस्ट्रिक्शन कितना 1, और ये वाली रिस्ट्रिक्शन कितनी 1, तो ये माइनस 2 कर दीजिए, 3 × 3 = 9 − 2, यानी कि आंसर कितना आ गया 7। तो डाई एटॉमिक के पास में 5, मोनो एटॉमिक के अंदर में 3, ट्राई एटॉमिक लीनियर है तो 7, और अगर नॉन लीनियर है जैसे कि CO2 की हम बात करें तो एक कार्बन, फिर ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन, तो इसमें कितने रिस्ट्रिक्शन आ गए, 1, 2 और फिर 3। इस डायरेक्शन में तो वो चल नहीं सकते, तो अगर अब यहाँ नहीं चल सकते तो 3 × 3 − 3, यानी ये हो गया 9 − 3, यानी इसका आंसर कितना आ गया 6। तो ये है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालने का तरीका, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर मैं दो अलग अलग, सपोज मैं एक मॉलिक्यूल्स हूँ, आप भी एक मॉलिक्यूल्स हो, आप एक्स पे भी चल सकते हो और वाई पे भी चल सकते हो, और आपके पास में 100 जूल की एनर्जी भगवान ने दी है, तो आप 50 जूल लगाएंगे एक्स में और 50 जूल लगाएंगे वाई में, क्योंकि ये जो गैस के नेचर होते हैं ना वो इसी तरह से होते हैं, हमें ऐसे ही कंसिडर करना पड़ता है कि जितना वो एक्स पे चल सकता है उतना ही वो कहाँ चल सकता है, वाई पे। तो बच्चा पार्टी, टेक अ स्क्रीनशॉट, दिस विल हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द क्विक रिविजन, टू अंडरस्टैंड द थियरी ऑफ दिस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमारा इक्विपोटेंशियल एनर्जी काम करेगा। ओके बच्चा, चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इंटरनल एनर्जी का इक्वेशन क्या है और कैसे इसका पार्टीशन होता है और इसको कितने फॉर्मेट होते हैं, किस तरह से ये चेंज हो सकता है। तो इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका जो है वो थर्मोडाइनेमिक्स का पूरा डिटेल वीडियो है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर थर्मोडाइनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो क्विक व्यू बिल्कुल भी नहीं है, प्लेलिस्ट में है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स की वीडियोस बहुत डिटेल में मिल जाएगी। वहाँ पे स्टार्टिंग में ही, और जब मैंने मेयर्स इक्वेशन एक्सप्लेन किया था दैट वाज CP − CV = R, तो बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट इज FRT/2, वेयर एफ इज वॉट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए ये जो एनर्जी है, जैसे कि मॉलिक्यूल्स के पास में है इंटरनल एनर्जी, वो एक चीज़ ध्यान से समझिए, वो एनर्जी किस वजह से आती है या किस फॉर्म में वो एनर्जी चल रही है। जैसे कि अगर मेरे पास एनर्जी है तो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, मैं ऐसे गोल गोल घूम रहा हूँ तो मेरे पास रोटेशनल एनर्जी है, और रोलिंग कर रहा हूँ तो ट्रांसलेशन एनर्जी भी है। वैसे ही ये जो एनर्जी होती है जो कि एक मॉलिक्यूल्स के पास होती है, जिसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, वो 3 डिफरेंट वेज में होती है। एक होती है रोटेशनल एनर्जी, दूसरी होती है ट्रांसलेशन एनर्जी, और थर्ड वाली जो होती है वो होती है वाइब्रेशन एनर्जी। रोटेशनल किसे आप कहेंगे, मॉलिक्यूल्स ऐसे चल रहा है, दैट इज़ रोटेशनल। ट्रांसलेशन किसे कहेंगे, जब वो ऐसे चल रहा है तो उसका सेंटर वाले पॉइंट पे आप बैठे हुए हैं, वो भी चल रहा है साथ में। और वाइब्रेशन किसे कहेंगे, वो मॉलिक्यूल्स इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ, ऑसिलेट करता हुआ चलेगा। तो ये जो एनर्जी है उसका इक्वेशन क्या है, तो उसका जो इक्वेशन होता है बच्चा वो होता है FRT/2, जहां पे F है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, R है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विथ फिक्स्ड वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, एंड T इज वॉट, टेम्परेचर। दिस इज द रीजन वाई एनर्जी, वी से कि वाई एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर है तो एनर्जी अलग होती है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी डिफरेंट, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन FRT/2। अच्छा, उसमें n क्या है, तो n का मतलब है मोल। अब ये जो एनर्जी होती है ना, उसको कैलकुलेट दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इन टर्म्स ऑफ द मोल और दूसरा होता है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत गहरा सा एक संबंध है, वो हम देख लेते हैं। अगर मुझे मोल में चाहिए तो n तो यहाँ पर है ही, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ मोल को ही 1 कर दूं, n = 1, तो देखिए मोनो एटॉमिक के लिए आपको यहां पर क्या प्लेस करना पड़ेगा, 3। डाई एटॉमिक के लिए व्हाट यू विल प्लेस, दैट विल बी 5। एंड व्हाट अबाउट द ट्राई एटॉमिक लीनियर, तो ट्राई एटॉमिक में ये 7 होता है, जस्ट वी हैव सीन, और नॉन लीनियर में ये 6 होता है, यानी आंसर हो गया 3RT। अब इसे आप याद रख लीजिए, लेकिन ध्यान रहे ये सब कितने मोल के लिए है, ओनली फॉर 1 मोल। अगर नंबर ऑफ मोल 2 है, 3 है, 4 है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद दैट नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ओके,
ये तो बात हो गई इन टर्म्स ऑफ मोल, बट देखिए इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। तो हम सब जानते हैं कि जो मोल है उसको निकालने का दो तरीका होता है, एक होता है नंबर से रिलेटेड दैट इज एन अपॉन एन ए, और दूसरा होता है मास रिलेटेड दैट इज एम अपॉन एम जीरो। सो इफ आई टेक एन इज इक्वल टू बच्चा एन अपॉन एन ए, तो इस एन की जगह पर हम लिखेंगे एन अपॉन एन ए एफ एज इट इज आर टी डिवाइडेड बाई टू, और ये कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है और एन ए भी कॉन्स्टेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के लैंग्वेज में के वी, दैट इज वॉट वोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, एनदर कॉन्स्टेंट। एंड वट इज द वैल्यू ऑफ दैट वोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, इट इज 1.38 × 10⁻²³। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट बाई प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ आर 8.314 जूल एंड बाई प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ एटोमिक एवोगाड्रो नंबर दैट इज 6.023 × 10⁻²³, तो वो आपको डायरेक्टली आ जाता है। तो देखिए अभी आर अपॉन एन ए क्या बन गया, दैट इज के बी, साथ में क्या है टेम्पर एफ इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर पूछा जाए कि 10 मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बताइए, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 हैं तो उसकी एनर्जी बताओ, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो और उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इतनी है, जैसे ऑक्सीजन है ऐसे 10 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन O2 होता है, डायटोमिक होता है, यू विल टेक 5, एफ इज इक्वल टू 5, 10 है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कैपिटल एन 10 हो गया, और फिर के भी आपको पता है, टेम्परेचर पता है, यू कैन फाइंड द एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज समझना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक मोल ऑक्सीजन गैस है, एक मोल ऑक्सीजन गैस, तो और वो ऑक्सीजन गैस है, तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन अप्लाई कर देना, बिकॉज एन इज इक्वल टू क्या है 1 है। इफ आई से कि भैया मेरे पास 2 मोल है ऑक्सीजन गैस, तो 5RT × 2। अब जरा इसके अंदर आप देखें मोनो एटॉमिक के लिए क्या होगा, तो ये मोनो एटॉमिक के लिए हो जाएगा F की जगह पर 3 KBT/2। अगर हम n इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो एक मॉलिक्यूल, जैसे 1 मोल के लिए निकाला वैसे एक मॉलिक्यूल्स, अदरवाइज n के साथ आप मल्टीप्लाई करते रहिए। यही चीज अगर हमें डाई एटॉमिक के लिए फाइंड करनी है बच्चा, तो डाई एटॉमिक के लिए हो जाएगा, डाई एटॉमिक के लिए यू कैन टेक 5, सो इट इज 5 KBT/2। अच्छा ट्राई के लिए लीनियर में क्या होगा, ट्राई एटॉमिक लीनियर, जैसे O3 है तो यहां पर हम कितना रखेंगे ट्राई एटॉमिक लीनियर में 7, सो द इक्वेशन विल बी 7 KBT/2। और अगर यही नॉन लीनियर है तो नॉन लीनियर के लिए वी विल प्लेस 6 KBT/2, जो कि शॉर्ट में हो जाएगा 3 KBT। तो ये है इक्वेशंस। अब इसके न्यूमेरिकल्स आप करते रहिए ध्यान से समझ के साथ कि कहां पर हमें कैसे अप्लाई करना है। ये बच्चा ये KTG खत्म हुआ। आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी सी करूंगा कि वाकई अगर आप लोगों को ये क्विक व्यू चाहिए तो इस वीडियो पे मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करके आप दे दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, वो बहुत कम मैं बोलता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेहनत है वो आप लोगों को हेल्प कर रही है, और आप जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे उसे समझ में आ जाएगा कि आपको और भी क्विक व्यू चाहिए। अदरवाइज़ मैं बहुत ही डिटेल कोर्स बनाने जा रहा हूँ, कुछ कंडीशंस की वजह से मैं रेगुलर कर नहीं पा रहा, बट कुछ भी करके हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11। आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बत मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, बहुत ही डिटेल जाएगा उसमें, आपको सब कुछ मिलेगा। तो बच्चा पार्टी, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मुस्कुराहट के साथ इसी तरह से फिजिक्स पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम, अदरवाइज आई विल ट्रबल यू। टेक केयर, बाय बाय। मित्रों, मैंने कहा भारत देश में क्या ये सरकार आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, तो वोट करें भाइयों बहनों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाइयों बहनों, कर दीजिए भाई। टेक केयर।